हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज ही के दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, या हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो ना इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो 26 जनवरी 1950 ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट, और अब उसी दिन से हम लोग जो है ना हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लग चुके हैं। चलो कमेंट में बताओ इस बार हम ये कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दो सवाल बहुत ज़रूरी, दोनों को रिवाइज़ करवा देता हूँ। आज ही के दिन हरियाणा के राज्यपाल जी कहाँ पे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, तो वो हरियाणा का जिला है कौन सा, पानीपत जिला है। मतलब वो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है वो तिरंगा झंडा फहराएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कौन से जिले के अंदर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो है ना वो करनाल जिले के अंदर तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो दोनों आपको याद रहने चाहिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर है वो क्या है। अच्छा, उससे पहले अगर आप सार्थक बैच लेना चाहते हैं तो आपका एनटीटी का बैच है और ये बैच पे क्लास से जो है ना वो आपको आज से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 14वें राज्य स्तरीय कार्यक्रम अभी हाल ही में हुआ है। देखो ऐसा है कि इस बार हम लोगों ने 14th नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया है। ये बात मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताई थी कि हम 25 तारीख को हर साल नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया करते हैं, तो इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है 14th नंबर का। लेकिन इसमें हरियाणा के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कौन से ज़िले के अंदर हुआ, तो हरियाणा के अंदर जो ना इसका इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। अच्छा सर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ तो था, पर इसमें हरियाणा के तरफ से जो है ना वो मुख्य अतिथि कौन थे, तो हरियाणा के तरफ से इसके अंदर जो है ना मुख्य अतिथि थे हरियाणा के मुख्य सचिव जी थे, जिनका नाम संजीव कौशल जी है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है सर, ये कब बना था वैसे याद है आपको? तो हाँ, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला बना था 23 तारीख को। कौन सी 23 को सर? 23 जनवरी को ही बना है ये, 23 जनवरी 1973 को बना है, याद रखना आप लोग। अच्छा सर, इसके अलावा ये कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के कौन से मंडल में आता है? सर कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के अंबाला मंडल में आता है। अब पास लगता हुआ मंडल वही है, तो आप याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा सर, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इस ज़िले के अंदर जो है ना वो आरक्षित सीट कौन सी है, तो इस ज़िले की जो आरक्षित सीट है ना वो है शाहबाद है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, शाहबाद जो है ना इस ज़िले की आरक्षित सीट है। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखिएगा आप लोग, कुरुक्षेत्र के अंदर एक थानेसर नाम की जगह है, ठीक है ना, कौन सी जगह? थानेसर है। अच्छा, थानेसर को आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम प्रस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुगलों का द्वीप, मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? मुगलों का द्वीप कहते हैं थानेसर को। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोग ये याद रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK यूनिवर्सिटी। ये UGC एक्ट, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, एक्ट 1956 के तहत जो है ना जनवरी 1957 के अंदर इसका नींव रखा गया था। और किसके द्वारा? भारत के पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और इसका पहला डिपार्टमेंट कौन सा था पता है? इसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट था संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट इसका सबसे पहला डिपार्टमेंट था। बाकी इसके अलावा आपसे कुरुक्षेत्र के अंदर एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है। हाँ, शेख चिल्ली का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में थानेसर में है एक्चुअली ये, ठीक है। चलिए सर, थोड़ा और आगे जाते हैं और अगला करंट अफेयर हमारा है कि हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिएगा, अब ये वाला सवाल जो है ना एग्ज़ाम परस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबे समय तक ऐसे वाले सवाल आ सकते हैं पेपर में। और दूसरा, अब तो आपको पता है कि आने वाला जो पेपर होगा, हरियाणा पुलिस का जो पेपर होगा थोड़े समय के बाद, उसमें भी आपको ये ऐसे ऐसे सवाल है वो पूछे जाने की संभावना है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा दो। दो लोगों को प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आज ही के दिन। ये 26 जनवरी को हर साल होता है, तो आपको लेटेस्ट वाले ही याद करने होते हैं, पिछले सालों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत, डीजीपी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर ने पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत एक तो है आईजी संजय कुमार तथा दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कार्यरत आईजी राजेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। राजेंद्र कुमार आईपीएस हैं और संजय कुमार आईपीएस हैं। ये तीसरे जो प्रदीप कुमार डीएसपी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके लिए सवाल ये है कि हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारी को गैलेंट्री मेडल मिलेगा। तो गैलेंट्री मेडल हरियाणा के पुलिस अधिकारी केवल एक ही है, और ये एक है, ये प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार को मिलने वाला है गैलेंट्री मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा, तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा टोटल 6 अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। इनमें से राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर है, कविता देवी एएसआई है, इसके साथ ही विजेंद्र सिंह एएसआई है, गुणपाल सिंह एएसआई है, रविंदर एएसआई है, और के साथ में जो है ना नरेंद्र कुमार जो है ना ये भी एएसआई है। तो सॉरी, ये एसआई है ये, और ये एएसआई है। सो इनके नाम भी आपको याद करने हो सकते हैं। देखो, ये तीनों ही सवाल बेहद ज़रूरी है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हरियाणा के दो पुलिस अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार और संजय कुमार, इन दोनों को तो मिल रहा है कौन सा अवार्ड, इनको मिल रहा है प्रेसिडेंट अवार्ड। प्रदीप कुमार को मिल रहा है कौन सा, गैलेंट्री अवार्ड। और टोटल 6 अधिकारी है, इनको मिल रहा है सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल। राजेंद्र, कविता, विजेंद्र, राजेंद्र विजेंद्र याद हो जाएगा, कविता, गुण, गुणपाल, देखो गुण ज़्यादा है तो करके इनको अवार्ड मिल रहा है, तो गुणपाल, अच्छा राजेंद्र, विजेंद्र, रविंदर ये और नरेंद्र, ये दर दर सारे आ रहे हैं तो एक साथ याद हो जाएगा, ठीक है ना। राजेंद्र, विजेंद्र, रविंदर, नरेंद्र, नरेंद्र, रविंदर, विजेंद्र, राजेंद्र और कविता, ठीक है ना, इनकी कविता बन गई एक साथ ही, ठीक है ना, इनकी सबकी कविता सी बन गई ना, दर 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 लग के, ठीक है। राजेंद्र, विजेंद्र, रविंद्र, नरेंद्र की कविता बन गई और इनमें गुण था तो इनको मिली गया। और ये कौन है जी, ये दो इधर हैं, तीन इधर हैं, आपको याद रखना। गैलेंट्री अवार्ड के लिए प्रदीप कुमार जी हैं, संजय राजेंद्र जो है ना इनको मिल रहा है राष्ट्रपति सम्मान, ठीक है ना, एक संजय है और एक राजेंद्र है। अच्छा सर, वैसे आप लोगों को थोड़ा और याद रहना चाहिए क्या क्या कि हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल पुलिस रेंज है कितनी। वैसे हरियाणा में टोटल पुलिस रेंज है 5। एक याद रखना कौन सी है, एक है करनाल की है। अच्छा, दूसरी कौन सी है सर, दूसरी हरियाणा में पुलिस रेंज है रोहतक में है। तीसरी पुलिस रेंज कौन सी है सर, तीसरी पुलिस रेंज हरियाणा के हिसार में है। और चौथी पुलिस रेंज कौन सी है सर, चौथी पुलिस रेंज जो है ना वो है अंबाला की पुलिस रेंज है। और पाँचवीं पुलिस रेंज कौन सी है, पाँचवीं पुलिस रेंज है रेवाड़ी की है। अच्छा सर, रेवाड़ी की पुलिस रेंज जो है ना ये साउथ रेंज है, ध्यान रखना, दक्षिणी रेंज है ये वाली। हरियाणा में पुलिस ज़िले कितने हैं, तो हरियाणा में पुलिस ज़िले 3 हैं। एक कौन सा है सर, एक है हांसी, ये सबसे पहले। दूसरा कौन सा सर, दूसरा है मानेसर, मानेसर कहाँ पड़ता है सर, मानेसर गुरुग्राम में। और तीसरा कौन सा है सर, तीसरा अभी हाल ही में डब वाली बना है, डब वाली, ये सिरसा का है। तीनों याद रखना आप लोग यहाँ पे। अच्छा, हरियाणा के अंदर पिंक पुलिस स्टेशन कहाँ पे खुला था, याद है आपको, पिंक, ये महिला पुलिस थाना कह सकते हो आप लोग, पिंक पुलिस स्टेशन ये सबसे पहले खुला था पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर, पंचकुला सेक्टर 5 के अंदर पिंक पुलिस स्टेशन, ठीक है। और हरियाणा में वैसे पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ना ये कहाँ पे खुला था, ये खुला था सबसे पहले हिसार जिले के अंदर, ये याद रखना। वैसे हरियाणा के अंदर जो है ना पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है कौन सा, एक तो है मधुबन के अंदर है, मधुबन, मधुबन कहाँ पड़ता है सर, मधुबन पड़ता है करनाल के अंदर, ठीक है, मधुबन करनाल में का। दूसरा है सुनारिया, ठीक है ना, दूसरा है सुनारिया का है, सुनारिया रोहतक का है। और तीसरा याद रखना है आपको, तीसरा है भोंडसी का, एक्चुअली भोंडसी का वर्तमान में नाम बदल के कर दिया गया है भुवनेश्वरी, ये गुरुग्राम का है आपका, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के करंट डीजीपी कौन है, उनका नाम तो आ ही गया है शत्रुजीत सिंह कपूर। सबसे पहले डीजीपी कौन थे हरियाणा के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे पहले, तो सबसे पहले हरियाणा के थे श्री एस एस
भटनागर, श्री एस एस भटनागर, ठीक है ना, श्री एस एस भटनागर, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना अभी हाल ही में एक नई पुलिस कमिश्नरी बनी है, और वो कौन सी बनी है याद है आपको, वो बनी है सोनीपत के अंदर, चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है हरियाणा की। पहली तीन कौन सी है, एक गुरुग्राम है, एक फरीदाबाद है, ठीक है ना, और गुरुग्राम फरीदाबाद के अलावा तीसरी कौन सी है हमारे पास में, तो एक गुरुग्राम फरीदाबाद के अलावा एक पंचकुला है। टोटल तीन पुलिस कमिश्नरी, तीनों के तीनों याद रखना। वैसे सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के पहले जो अध्यक्ष है वो कौन बने, मतलब पुलिस कमिश्नर कौन बने, उनका नाम है बी सतीश बालन, ठीक है ना, बी सतीश बालन, बी सतीश बालन, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। चलिए सर जी, थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है, अगला सवाल, ये तीनों याद कर लोगे ना आप लोग, एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। राजेंद्र संजय कुमार, इनको मिला है प्रेसिडेंट अवार्ड, प्रदीप को मिला है, प्रदीप कुमार को मिला है यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड, और टोटल 6 अधिकारी है जिनको मिला है सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल। राजेंद्र, विजेंद्र, रविंदर, नरेंद्र की कविता बनी और गुणपाल में गुण आ गए थे, ठीक है ना, इन लोग को मिला है टोटल 6 लोगों को। हरियाणा की कितनी छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करेंगी, तो हरियाणा की दो बच्चियां हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से परीक्षा पर चर्चा करेंगी। एक्चुअली ये प्रोग्राम होता है, इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सवाल भेजे जाते हैं, जिस भी बच्चे का सवाल सिलेक्ट होता है उनको बुलाया जाता है। तो हरियाणा की दो बच्चियाँ हैं, ये वो दो बच्चियाँ हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इनमें से एक तो बच्ची है कौन से जिले की, रोहतक के गांव कहनौर की है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की बच्ची है, ठीक है। और दूसरी बच्ची है सिरसा जिले की, गांव नाथूसरी कला की, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं क्लास की बच्ची है ये। 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी से सवाल ये पूछ पाएंगी। दोनों ही बच्ची अब दिल्ली पहुँच चुकी है ये। और कहानौर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ममता है, उनका वैसे एक सवाल सिलेक्ट हुआ ये है कि हम छात्र किस प्रकार स्वयं में गहरे मानवीय मूल्य को जागृत कर सकते हैं ताकि हम सब मानवता का सबसे अच्छा प्रतिरूप बन सकें और अपने समुदाय, राष्ट्र और पूरे संसार की सेवा कर सकें। तो ऐसे मतलब सवाल भेजे जाते हैं ऑनलाइन, ये देश भर के 800 बच्चे इसमें शामिल होने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम तब होता है जब नया सेशन स्टार्ट होना होता है ना, और एग्ज़ाम पास में आ रखे होते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये वार्तालाप वाला सेशन होता है आपका। अगला सवाल है कि मुंबई में आयोजित 12वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में रोहतक के कमलजीत की किस फिल्म का टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ है, तो इस फिल्म का नाम है ममता, ममता फिल्म का अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, कमलजीत की वेब फिल्म है ममता, और 12वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रोहतक के कमलजीत की फिल्म है, ये टॉप 100 के अंदर अभी सिलेक्शन हुआ है इनका। इनके 4 सालों में मुंबई में रहकर अपने अभिनय की कला को निखार रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है ना ये कलंदर एंटरटेनमेंट बैनर के तले रिलीज हुई इनकी वेब फिल्म का सिलेक्शन हुआ है, इसके डायरेक्टर तरुण मिश्रा है, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है, और आपके लिए सवाल एक छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा ज़रूर इसमें। हरियाणा के अंदर जो है ना पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, बताना आप लोग, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है ना, बताना आप लोग पहली महिला न्यायाधीश जो है ना वो कौन बनी थी, ध्यान रखना आप लोग, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश। अच्छा सवाल पूछा मैंने, बताइए ज़रूर इसके बारे में आप लोग, ठीक है। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन देता हूँ थोड़ा सा, एक ऑप्शन देता हूँ चलो आपको मैं, निर्मल, ठीक है ना, निर्मल, निर्मल यादव, ठीक है। एक ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, किरण, किरण आनंद, किरण आनंद पाल, ठीक है। एक ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, ममता, ममता पालीवाल, ममता पालीवाल, और एक ऑप्शन आपको मैं देता हूँ इसमें से, एक ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, राखी सिंह, ठीक है, बताइएगा इसके बारे में आप। निर्मल यादव, किरण आनंद पाल, ममता पालीवाल, और के साथ में जो है ना राखी सिंह, बताइएगा इनमें से कौन सा सही रहेगा, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, हंसते मुस्कुराते रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, स्टार IQ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करना।